नमस्कार दोस्तों, रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस, वो भी सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों। और आइए बनाते हैं हम। ये मैंने कढ़ाई रखा है, ये तेल है और ये है सब्जियां। सब्जियां आप जो डालना पसंद करें, प्याज, मिर्च, लहसुन, बीन, गाजर, मटर और ये है सेजवान। और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस भी है इसमें। सोया सॉस ऑप्शनल है दोस्तों, आपका मन डालें या ना डालें। चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस। ये लहसुन और मिर्च हमने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है लहसुन और मिर्च को। और फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद हम सारी सब्जियां डालेंगे दोस्तों। फ्राइड राइस ये एकदम से चाइनीज़ या एकदम से हम ये नहीं बना रहे हैं कि तैयारी करके बनाएं। घर में चावल बचा हुआ है, उसका कुछ अच्छा और टेस्टी बनाना है तो हम फ्राइड राइस एकदम मिनटों में बना सकते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने डाल दिया इसमें प्याज, और प्याज के बाद अब हम डालेंगे इसमें बीन, मटर, जो भी सब्जी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। पहले हम सब्जी को फ्राई कर लेंगे जिसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां पक जाए। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइनीज़ में सब्जियां थोड़ी सी कच्ची चलती हैं और बस तैयारी में ही थोड़ा सा मेहनत लगता है सब्जियों को काटने में। वैसे इसको केवल 2 मिनट में बना सकते हैं। ये देखिए सब्जियां थोड़ी सी हो गई हैं और इसमें हम डालेंगे सेजवान डालेंगे दोस्तों, सेजवान सॉस, और ये डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए ये हमने डाल दिया है थोड़ा सा चावल, और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बन गया हमारा फ्राइड राइस दोस्तों। बस 2 मिनट में बना है। देखिए इसको, ये कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। ये कुछ प्याज के पत्ते भी हमने डाल दिए दोस्तों। घर पे बनाएं, खाएं और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। और घर पे स्वस्थ खाना है और बाहर का ज़्यादा खाना तो अच्छा होता नहीं है दोस्तों। तो हम इसको घर पे बनाएंगे और घर पे खाएंगे। देखा आप लोगों ने, केवल 2 मिनट लगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।